आज सुबह एमएस मक्ता, गोलकुंडा, आसिफ नगर, ऑल पुलिस स्टेशन लिमिट के इंटीरियर एरियाज में, बंजारा हिल, पंजा गुट्टा, ये सब जगह सोशल डिस्टेंसिंग कैसा हो रहा है वो देखने के बाद, आज फूड डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ हुआ, अभी यहाँ कैंसर हॉस्पिटल के बाजू में सब देखे 90-95% प्लेसेस में सोशल डिस्टेंसिंग अच्छा से चल रहा, लेकिन करीब 5-7% लोगों में अभी भी डिसिप्लिन नहीं है। उन लोगों को मैं वार्निंग देता हूं कि अगर आप अभी स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो आपको अरेस्ट करना पड़ेगा, और आपके लिए पूरे परिवार, पूरे आपके परिवार, पूरे कॉलोनी सफ़र करेंगे। इसीलिए बिना मतलब का आप रोड पर नहीं निकले, अगर ज़रूरत के लिए आ रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, ये बहुत ज़रूरी है। और ऐसे मौके पे व्हाट्सएप के एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप को मैं वार्निंग देता हूं कि अगर आप बिना किसी वेरिफिकेशन के न्यूज़ को, फेक न्यूज़ को, र्यूमर्स को स्प्रेड करेंगे, आपके खिलाफ केस दर्ज होगा और आप भी अरेस्ट होंगे। यही हमारा वार्निंग है सबको। नहीं, गलत न्यूज़ है ये, एक केवल एक केस आया है अभी तक। मीडिया से भी बोलते हैं गलत न्यूज़ नहीं है स्प्रेड करें, केवल एक न्यूज़ का कंफर्मेशन है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, बस। थैंक यू।